हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रमोहन तिवारी है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अपने रेडमी नोट 4 का, जिसके अंदर ये हेडफोन शो करने लगता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरा जो हेडफोन है, ये नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर के जस्ट बगल में राइट साइड में ऊपर शो कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत ये आ रही है कि ना तो मैं बात कर पा रहा हूँ, ना ही मैं कोई म्यूज़िक सुन पा रहा हूँ। इसकी वॉइस आ ही नहीं रही है, वॉइस आउट नहीं हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए, अगर आपको कहीं बात भी करना है तो आप हैंड्स फ्री करके बात कर सकते हैं। तो मैंने इसका सॉल्यूशन एक सर्च किया है गूगल प्ले स्टोर पर, जिसको आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, हम जा रहे हैं प्ले स्टोर में अपने और सर्च करेंगे इसमें डिसेबल से डिसेबल हेडफोन। तो हम इसको सेकंड वाला चूज कर लेते हैं और सर्च करते हैं। तो जैसा कि मैंने ये पहला ही सोच कर रहा है, डिसेबल हेडफोन एनेबल स्पीकर, तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो हम इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद अगर आपको स्पीकर मोड करना है तो आपको इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना होगा और आप देखेंगे कि आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कुछ भी प्ले करूँगा तो इसमें से आवाज़ आएगा। जैसे कि मैं YouTube खोल लेता हूँ और कोई वीडियो सर्च करता हूँ, जैसे कि सॉन्ग्स 2020। तो देखिए, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए कि ये प्ले हो रहा है और वॉइस आ रहा है। इसी तरह से अगर हम उसको डिसेबल कर देंगे तो इसमें वॉइस नहीं आएगा। जैसे कि मेरा ये हेडफोन डिसेबल हेडफोन, ये मेरे फ्रेंड पे ही है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और हेडफोन मोड कर दूँगा। हेडफोन मोड करने के बाद मैं बैक जाता हूँ और मैं फिर से यूट्यूब चलाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं ये सबसे ऊपर ही आ रहा है, ओप्पो F17 का प्रो दिवाली एडिशन, मैं इसी को प्ले करके देखता हूँ। देखिए, इसमें कोई वॉइस नहीं आएगा, मैंने वॉल्यूम फुल कर रखा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू ऑल।